आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के 2592 स्कूलों में कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर की भर्ती होने वाली, जिसका नोटिफिकेशन के साथ हमने वीडियो प्रोवाइड करवाया था। देखिए यहाँ पर हमने इसकी सूची यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ वीडियो प्रोवाइड करवाया था, जिसकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जिसमें हमने नोटिफिकेशन के साथ नोटिफिकेशन बताया था आपको, और यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड कैसे बनाना है वो भी बताया था। एक और मेन बात आपको बता दूं, अगर आपको SS2 IT स्कोर कार्ड नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट से आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करते हैं कि हमें स्कोर कार्ड बनवाना है जिसमें SS2 IT लिखा है, किस सब्जेक्ट से SS2 IT लिखा है, तो मैं वो भी उसके वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि SS2 IT किस सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ आएगा। SS2 IT जब तक लिखा नहीं आएगा, जब तक आप आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ किस किस जिले में, किस स्कूल में ये आपके पद पोस्ट खाली हैं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी स्कूल की लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के साथ हम बता देते हैं कि आपको ये स्कूल की लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। टोटल 33 पेज की लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश के टोटल 52 जिलों की सभी जिलों की लिस्ट यहाँ पर है, कौन कौन से स्कूल में यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को आप क्लिक कर देना ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू टैब ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, IMSRA यहाँ पर आपको ये सर्च कर देना, मैंने सर्च किया हुआ है पहले से, ये सर्च कर देना आपको, ठीक है। तो सर्च बार में क्या सर्च करना है, IMARSH.MP.GOV.IN यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या सर्च किया है, यही आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो पहली वेबसाइट दिख रही होगी इस पर आपको क्लिक कर देना, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आपको नोटिफिकेशन और स्कूल की लिस्ट दोनों बताने वाला हूँ कि कहाँ से होगी, ठीक है। स्कूल की लिस्ट भी यहाँ पर आपको जो ICT@school दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना। ICT school पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर यानी नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, और स्ट्रक्चर के लिए जो जो पद खाली है स्कूलों में, कौन से स्कूल में पद खाली है उसके लिए लिस्ट ये है। तो चलिए आपको दोनों पहले बता देते हैं। स्ट्रक्चर के लिए इस पर आपको क्लिक करना, और एक क्लिक हेयर पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो मैंने इसका वीडियो आपको बता दिया है, तो इसको इसके बाद यहाँ पर आपको ICT स्कूल लिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना, आपके सामने स्कूल की लिस्ट आपको शो होने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जिस जिले की भी चाहिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको आपके जिले के यहाँ पर ब्लॉक वाइज भी आपको दे रहा होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर पहले चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट दे रहा है, यहाँ पर आपको ब्लॉक दे रहा है, यहाँ पर डाइसपोर्ट दे रहा है, और यहाँ पर स्कूल का नाम दे रहा है, ठीक है। तो आपने अपने जिले की, अपने विकासखंड की, अपने ब्लॉक की देख सकते हैं लिस्ट आप, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है हमारे जिले की, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनूपपुर की है, उड़ीसा, यहाँ अशोकनगर की है, बालाघाट की आपको देखने को मिल रही होगी, बिरसा की आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी जिले की लिस्ट देखने को मिल रही होगी, बैतूल की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, भिंड की देखने को मिल रही है, भोपाल की देखने को मिल रही है, अलीराजपुर की देखने को मिल रही है, छिंदवाड़ा की देखने को मिल रही है, छतरपुर की देखने को मिल रही है, हरदा की देखने को मिल रही है, आपको पूरे जिले की लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। किस जिले में पोस्ट कितनी खाली है यह भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस जिले में कितनी पोस्ट खाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे छिंदवाड़ा का देख लेते हैं, ठीक है। आपको बता रहा हूँ मैं उदाहरण के लिए, मान लीजिए छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पूरे यहाँ पर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ब्लॉक है किस ब्लॉक में, और यहाँ पर स्कूल का नाम भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके आसपास कोई स्कूल में कंप्यूटर स्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर शिक्षक के लिए कोई आवेदन के लिए पद खाली है या नहीं, वो आप यहाँ पर जरूर चेक कर सकते हैं। अगर ये PDF आपको डाउनलोड करते नहीं आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हुआ है, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे ऐसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी भाइयों को पता चल सके किस स्कूल में पद खाली है, किस स्कूल के आवेदन करना है। धन्यवाद।